गैंगस्टर लॉरेंस और जग्गू अब फिर मिलाएंगे हाथ। जी हाँ, खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अकूत संपत्ति के मालिक जग्गू भगवानपुरिया के बीच जल्द ही कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। सनसनीखेज सिद्धू मूसावाला मर्डर में दोनों साथ थे। दरअसल लॉरेंस सिद्दीकी की तरफ से जग्गू पर मुखबरी के आरोप लगे। तरन तारण के गोइनवाल जेल में जग्गू के दो गुर्गों का मर्डर कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि समझौते का मंच तैयार हो चुका है। लॉरेंस और जग्गू के अलावा संपत नेहरा और संदीप उर्फ काला जठेड़ी की मौजूदगी में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ये सभी गैंगस्टर एक राज्य के जेल में शिफ्ट होने की जुगत में है। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस सिंडिकेट से जग्गू की अनबन दो वजहों से थी। पहली वजह थी रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 को जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या। इस हत्याकांड में नाम आने से तिल्लू का दिल्ली एनसीआर में दबदबा बढ़ गया। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस सिंडिकेट ने तिहाड़ जेल में पहले तिल्लू को खाने में जहर देने की साजिश रची थी। इसकी जानकारी सिंडिकेट के चुनिंदा गैंगस्टर्स को थी, जिनमें जग्गू भी शामिल था। जिस दिन इसे अंजाम दिया जा रहा था उसी दिन ये बात लीक हो गई और तिल्लू तब बच गया। लॉरेंस सिंडिकेट को जग्गू पर शक हो गया, क्योंकि दोनों क्राइम सिंडिकेट से बातचीत करने वाला वही एकमात्र गैंगस्टर है। दूसरी वजह थी सिद्धू मूसेवाला मर्डर के शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु कुस्सा का जुलाई 2022 में पुलिस एनकाउंटर हुआ। लॉरेंस सिंडिकेट का दावा था कि जग्गू गैंग के मुखबिर पर यह हुआ। इसके बाद लॉरेंस से जुड़े गैंगस्टर पंजाब की जेलों में शिफ्ट होने लगे। सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़ जेल में लॉरेंस के दोस्त संतप नेहरा ने जग्गू को जलील किया और थप्पड़ तक मारा। हथियार और ड्रग तस्करी में अरबों रुपए कमा चुका जग्गू तब से लॉरेंस से अलग हो गया। फरवरी 2023 में गोइनवाल जेल में जग्गू के करीबी मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोहना की लॉरेंस के गुर्गों ने हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। इससे पंजाब के जेलों में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया था, इसलिए दोनों गैंग से जुड़े मेंबरों को अलग अलग रखा जाने लगा था। जग्गू के तार विदेशी हथियार तस्करों से जुड़े हैं और दोनों क्राइम सिंडिकेट में उसकी पैठ है। ऐसे में लॉरेंस और उसके करीबी गैंगस्टर उसे खोना नहीं चाहते। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस सिंडिकेट के सभी गैंगस्टरों ने इस कॉम्प्रोमाइज पर सहमति बना ली है। फिलहाल लॉरेंस, संपत, नरेश सेठी और काला राणा दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही संदीप उर्फ काला जठेड़ी भी इस मामले में दिल्ली आने की संभावना है। इसके बाद ही इस समझौते को अंतिम रूप देने की बात सामने आएगी।